खनन व्यापारी राहुल जैन अपहरण व फिरौती मामले में गिरफ्तार। आरोपी से सिटी थाना पुलिस की कड़ाई से पूछताछ जारी है। इस दौरान पुलिस आरोपी से प्रकरण को लेकर हर एंगल से पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने आरोपी से प्रकरण में प्रयुक्त की गई एक देशी पिस्टल में 3 जिंदा कारतूस के बरामद की है। पुलिस के अनुसार उक्त देशी पिस्टल का उपयोग आरोपी जम्मू कश्मीर निवासी अविनाश उर्फ मोनू पुत्र गगन सिंह राजपूत ने पीड़ित व्यापारी राहुल जैन को अपहरण के दौरान डराने धमकाने के लिए किया था। पुलिस के अनुसार अभियुक्त अविनाश उर्फ मोनू पूर्व में भी देशी पिस्टल के साथ जोधपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मालूम हो कि सिटी थाना पुलिस की एक टीम ने अपहरण व फिरौती प्रकरण में आरोपी को विगत दिनों जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया था। मालूम हो कि अभियुक्त अविनाश उर्फ मोनू राजपूत 14 अक्टूबर को खनन व्यापारी मुनोत नगर निवासी राहुल जैन अपहरण तथा फिरौती प्रकरण का फरार आरोपी है। प्रकरण में पुलिस द्वारा अभियुक्त सिकंदर काठात, भैरूलाल तथा रमेश सिंह को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। तब से लेकर अब तक प्रकरण का वांछित आरोपी अविनाश फरार चल रहा था, जिसे पुलिस की गठित टीम ने विगत दिनों जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया था। दिनांक 14/10/2022 को राहुल जैन के साथ जो अपहरण और फिरौती की घटना हुई, उसी में अभियुक्त अविनाश उर्फ मोनू जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया है। उससे जो उस घटना में पिस्टल प्रयुक्त की गई थी उसी से डराकर 30 लाख रुपए इन्होंने वसूले थे, तो वो पिस्टल बरामद की है। पूर्व में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इससे पैसे की बरामदगी हेतु आज दोबारा पीसी रिमांड पे लेके आए। 2 दिन का पीसी रिमांड है।